हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा कॉलेज एडमिशन 2021 ओपन काउंसलिंग के ऊपर। गाइज, ओपन काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। वैसे तो यहाँ पर कल स्टार्ट होनी थी यानी कि 28 सितंबर को, लेकिन कल जो है पोर्टल में खामियाँ थी, कमियाँ थी और प्रॉब्लम्स थी, उन्हीं को देखते हुए आज से आपकी यहाँ पर ओपन काउंसलिंग को स्टार्ट किया गया है। तो यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है और यहाँ पर कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सारे की सारी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद आज सुबह की यहाँ पर मेरे को क्लियर हो गया है कि आपको कैसे क्या करना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, मैंने एक स्लाइड लगा भी दी है, ओपन काउंसलिंग से पीजी कॉलेज में दाखिले आज। अब पीजी का मतलब ये मत समझना कि वो पीजी है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वही, लेकिन कॉलेज हैं उसका नाम है पीजी। ठीक है, यानी कि उसमें पीजी के भी कोर्स हैं और यूजी के भी, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, यूजी के एडमिशन की। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी को सुबह 9:30 से 12 बजे तक करवानी होगी उपस्थिति दर्ज। यानी कि यार, यहाँ पर जो प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ओपन काउंसलिंग है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं गाइज, आपको एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा। सो गाइज, यहाँ पर देखिए, दाखिले के लिए यह करें, यानी कि एडमिशन के लिए क्या करना है वो प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है। जिन विद्यार्थियों का नाम प्रतीक्षा सूची में आया है, अब ये प्रतीक्षा सूची क्या है, इसका मतलब है वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट क्या होती है गाइज? वेटिंग लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा था लेकिन उसका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, वो सब किस में है, वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रूम है, उसके बाहर 20 बच्चे खड़े हैं, उनमें से 4 बच्चों को किसी ने अंदर बुला लिया, तो यहाँ पर जितने 16 बच्चे बच गए वो सारे क्या हैं, वेटिंग वाले। ठीक है, तो जिनका एडमिशन हो गया उनका हो गया, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो सारे के सारे वेटिंग लिस्ट वाले हैं। तो वो यहाँ पर देखिए, आगे दाखिला लेने के लिए सुबह 9:00 से 12:00 तक कॉलेज में जाएँ। वे अपने साथ दाखिला फार्म की हार्ड कॉपी, यानी कि मैंने आपको बता रखा है जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट, इसके बाद 10वीं व 12वीं का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, इन सब की फोटोकॉपी लेकर आए, और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सारे वैसे बता रखे हैं। ठीक है, अपने साथ कम से कम 4 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ भी लेकर आए, 4 फोटो लेके जाने हैं, क्योंकि वहाँ पर एक फॉर्म आपको कॉलेज में भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, ओपन काउंसलिंग का। सो गाइज, ये आपकी प्रोसेस रहने वाली है। ठीक है, यानी कि अब समझिए क्या है, इजी वे में आपको क्या करना है, जिनका भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है उनको आज सुबह 9:00 से 12:00 तक कॉलेज में जाना है। थोड़ा बहुत लेट हो जाओ तो चल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर एक मेरिट लिस्ट मिलेगी सभी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे, और वो तो जब कॉलेज जाओगे तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सभी कॉलेज में आजकल एनवायरनमेंट ही ऐसा बना हुआ है ओपन काउंसलिंग का, तो वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर आपको पता चल ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर सभी का नाम तो वेटिंग लिस्ट में है, अब सभी का एडमिशन तो होगा नहीं, वहाँ पर वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स को छाट के एक मेरिट लिस्ट बनेगी सभी कॉलेजेस में। ठीक है, यानी कि एक मेरिट लिस्ट नहीं होगी, सभी कॉलेज की अपनी अपनी मेरिट लिस्ट होगी। ठीक है, तो उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, ठीक है, वो आपको कॉलेज में ही देखनी पड़ेगी, तब आपको वहीं की वहीं एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है गाइज, ये है कहने का मतलब, फीस भी वहीं की वहीं जमा हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहीं की वहीं हो जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। वैसे आप फीस ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और यहाँ पर गाइज देखिए, अब मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ, और इजी वे में, जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, ठीक है, वो अपना फॉर्म लें, सारे डॉक्यूमेंट्स लें और फीस लें और कॉलेज में चले जाएं, ओपन काउंसलिंग में जहाँ भी एडमिशन लेना है। ठीक है, अब ये मत कहना कि भाई मैंने 3 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं तो तीनों में एक साथ कैसे, तो गाइस उसके लिए मैंने एक अपडेट पढ़ी थी कि भाई थोड़ा सा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, वरना अगर आज एडमिशन नहीं हो पाता तो कल भी यहाँ पर काउंसलिंग होगी। ठीक है, और मे बी परसों भी हो। ठीक है, तो आपको डरना नहीं, एडमिशन तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि भाई जिस भी कॉलेज में आपको लेना है वहाँ आप आज पहुँच जाओ हर हालत में। ठीक है, समझ गए, इसके बाद वहाँ मेरिट लिस्ट देखकर और एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं, स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, वहाँ पर फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनका क्या होगा, उनके लिए गाइज यहाँ पर उनको अभी वेट करना है, उनके लिए पहले इनको सुलटाया जाएगा, इनको यहाँ पर देखा जाएगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उसके बाद आप लोगों को देखा जाएगा, तब तक आप रजिस्ट्रेशन करके और यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, यानी कि 1-2 दिन बाद आपकी भी मेरिट लिस्ट आएगी और इसके बाद आपकी एडमिशन होगी। समझ गए, सो गाइज ये प्रोसेस है। कहने का मतलब क्या है भाई, कॉलेज में आपको विजिट करना ही पड़ेगा अगर आपको एडमिशन चाहिए। ठीक है, एक एक बात मैंने साफ क्लियर बता दी है, कॉलेज में जाओगे वहाँ पर सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब कुछ भाई की प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई कल भी गए थे कुछ नहीं हुआ, तो गाइज देखिए 2-3 दिन आपको घूमना तो पड़े ही पड़ेगा। ठीक है, अगर एडमिशन चाहिए। ठीक है, समझ गए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।